तो एक फॉर्मेट ऐसा भी हो सकता है जैसे वन अपॉन साइन ऑफ एक्स माइनस ए साइन ऑफ एक्स माइनस बी लिखाओ, ठीक है, या वन अपॉन साइन ऑफ सॉरी कॉस ऑफ एक्स माइनस ए एंड कॉस ऑफ एक्स माइनस बी लिखाओ, या वन अपॉन साइन ऑफ एक्स माइनस ए एंड कॉस ऑफ एक्स माइनस बी लिखाओ। मतलब एक्स माइनस ए और एक्स माइनस बी में दोनों साइन हो, एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी में दोनों कॉस हो, या एक्स माइनस बी में एक साइन और एक। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए हम ऊपर नीचे, अगर दोनों सेम टाइप के हैं, मतलब साइन है या कॉस है, दोनों कैसे हैं, या साइन साइन है या कॉस कॉस है, तो हम इसको सिंप्लीफाई करने के लिए ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं साइन ऑफ ए माइनस बी से। नीचे किससे डिवाइड कर लेते हैं, साइन ऑफ ए माइनस। अच्छा, इस डिवीजन का फायदा क्या होता है, जैसे आप इससे डिवाइड करेंगे तो इस साइन ऑफ ए माइनस बी को आप लिख देंगे क्या, एक्स माइनस बी माइनस एक्स माइनस ए। देखो देखा देखा कि नहीं कि नहीं भाई? भाई, तो इसी साइन ऑफ ए माइनस बी से यहां भी आप डिवाइड कर लेंगे, आया ना। अच्छा, जब दोनों अपोजिट होंगे, मतलब एक साइन होगा और एक कॉस होगा, तो आप यही डिवीजन किससे करेंगे, कॉस ऑफ ए माइनस, और इसी कॉस को क्या लिख देंगे, एक्स माइनस बी माइनस एक्स। दिखा कि नहीं। अच्छा, बेनिफिट क्या होगा, इसके बाद ये फंक्शन जो है वो ब्रेक हो जाएगा किसमें, या तो टेन में या कॉट में, जो इंटीग्रेशन है वो किसमें ब्रेक हो जाएगा, या तो टेन में या कॉट में, वो आप ब्रेक करके सिंप्लीफाई कर लेंगे आंसर, वो ब्रेक करके सिंप्लीफाई करके आंसर लेंगे। क्या है, मेरी बात समझ पा रहे हो, अगर दोनों सेम टाइप के टर्म है तो साइन ए माइनस बी से मल्टीप्लाई कर देना है, अगर दोनों अपोजिट टाइप के टर्म है तो, और फिर इसको ब्रेक कर देना है। जैसे आप ये फॉर्मूला ओपन करोगे तो एक बार साइन साइन कैंसिल, कॉस बाई कॉस कॉट बना देगा, इसमें कॉस कॉस कैंसिल टेन बना देगा, समझ में आ रहा है कि नहीं, सिंप्लीफाई कर लेंगे आंसर लेंगे। तो ये यूज कर सकते हैं आप, सिचुएशन भी दिमाग में रखने का तरीका एकदम सिंपल सा है, अगर दोनों सेम टाइप के हैं तो साइन ए माइनस बी से मल्टीप्लाई कर देना है, अगर दोनों अपोजिट साइड के हैं तो। क्या ये बात समझ पा रहे हैं सब लोग, क्या ये बात समझ पा रहे हो भाई, ठीक है। तो अब देखिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसमें पूछूं आपसे, जैसे एग्जाम्पल, अच्छा बेटा जैसे लिख रहे हो अभी, जैसे एग्जाम्पल वाइज चलूं, आपको इंटीग्रेशन करना है साइन ऑफ एक्स माइनस पाई बाई फोर इंटू साइन ऑफ एक्स प्लस पाई बाई सिक्स। अच्छा, यहाँ पर क्या है, एक्स माइनस ए और एक्स माइनस बी होना चाहिए, एक्स माइनस ए और एक्स माइनस बी, यहाँ माइनस बी की वैल्यू कितनी दे रखी है, माइनस फाइव। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं, तो यहाँ पर आप ऊपर नीचे किससे डिवाइड करोगे, वन अपॉन साइन ऑफ ए प्लस बी, ए माइनस बी होता है ना, तो ये प्लस हो जाएगा कि नहीं बताओ, अरे ए माइनस बी से करते हैं ना, और बी की वैल्यू ऑलरेडी कैसी है, नेगेटिव है, क्या ये बात फील कर पाए भाई। अच्छा, जैसे यहां डिवाइड करोगे तो क्या बन जाएगा, साइन ऑफ एक्स प्लस पाई बाई सिक्स माइनस एक्स माइनस पाई बाई फोर, अरे हाँ या ना, बोलो भाई। और यहां पर वही दोनों टर्म आ जाएंगे, साइन एक्स माइनस पाई बाई फोर एंड साइन ऑफ एक्स प्लस पाई बाई सिक्स, क्या ये बात क्लियर हुई, ये बताओ भाई। अब जैसे ही ये चीज सिंप्लीफाई होके आपके सामने आएगी, अब आराम से आप डील कर सकते हैं, बाहर क्या आ जाएगा, वन अपॉन साइन ऑफ पाई बाई फोर प्लस पाई बाई सिक्स, इसकी वैल्यू तो निकाल लोगे, सेवन पाई बाई ट्वेल्व, अरे हाँ ये ना, नहीं फाइव पाई बाई ट्वेल्व, 75 डिग्री बना ये। हाँ, और यहां पर जब आप इसको ओपन करोगे तो साइन ए कॉस बी, तो साइन वाला कैंसिल हो जाएगा और कॉस बाई साइन से क्या बना देगा, कॉट, अरे हाँ या ना,
और अगली बार क्या होगा, कॉस एंड साइन, तो ये कैंसिल होगा और ये क्या बना देगा, टेन नहीं कॉट ही बनाएगा। अरे बोलोगे, देखो ये स्टेप समझ आया कि नहीं, इसको दोबारा लिखूं मैं, ये स्टेप समझ आया कि नहीं। आप जब इसको ओपन करोगे तो ये आएगा ना, x प्लस पाई बाई सिक्स इंटू कॉस ऑफ x माइनस पाई बाई फोर माइनस साइन ऑफ x माइनस पाई बाई फोर इंटू कॉस ऑफ x प्लस पाई बाई सिक्स। क्या ये बात दिखी सबको, बताओ भाई। यस सर। डिवाइड आ जाएगा साइन ऑफ x माइनस पाई बाई फोर इंटू साइन ऑफ x प्लस पाई बाई सिक्स, इसी को आपको इंटीग्रेट कर देना है बाहर, अपना साइन फाइव पाई बाई ट्वेल्व चली जाए। अब जैसे इसको डिवाइड करोगे तो साइन वाला कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे ये कॉट में आ जाएगा, जब इसको डिवाइड करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये कॉट में। अच्छा, कॉट का इंटीग्रेशन तो कल हमने पढ़ा ही था, दैट इज एल एन मॉड साइन एक्स, और ये बन जाएगा एल एन मॉड साइन एक्स प्लस फाइव। कितने लोगों को समझ आया भाई ये, और बाहर साथ में क्या चल रहा है, वन अपॉन साइन साइन फाइव पाई बाई ट्वेल्व की वैल्यू तो हंसते खेलते निकाल ही लें, कोई दिक्कत है नहीं। तरीका समझ में आया, दोनों साइन के मल्टीप्लाई में थे, डिवीजन में बोलो। तो आपने इन्हीं का जो एंगल का ए और बी का डिफरेंस था उसी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर। कितने लोगों को लॉजिक क्लियर हुआ भाई, क्या ये लॉजिक हमें समझ आया? देख लीजिए, कोई डाउट आ रहा हो तो बताइएगा। बढ़े आगे। अब हम कुछ फॉर्मूले और इंट्रोड्यूस करेंगे, छह फॉर्मूले हम नए और इंट्रोड्यूस करते हैं। टोटल हम पहुंच गए थे 17 तक, याद है आपको? कल हमने चार फॉर्मूले इंट्रोड्यूस किए थे ना, टैन कॉट कॉसेक और सेक। आज हम छह और नए फॉर्मूले इंट्रोड्यूस करेंगे जिनका यूज हम बहुत फ्रिक्वेंट करेंगे अलग अलग सिचुएशन। उसमें पहला रिजल्ट जो हम इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं वो है डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसको हम बोलते हैं 1 बाई ए टेन इनवर्स एक्स बाई ए। इसमें तो एक ए स्क्वायर ऊपर और नहीं चला जाएगा क्या बेटा? इसका दूसरा रिजल्ट इसी में लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है? ये आएगा 1 बाई टू ए एल एन ऊपर वाला बता दीजिए वो माइनस ए एक्स प्लस, क्या बताएं? अभी तो प्रूफ पूरा करेंगे ना। नहीं, वो ए ऊपर भी जा रहा है ना, उसमें 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर आएगा, तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर चला जाएगा, तो 1 अपॉन ए से पूरा नहीं कटेगा ना ऊपर वाला जो ए है। कहना क्या चाह रहे हम समझ नहीं रहे तुम्हारी बात, कहना क्या चाह रहे हैं? तो जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ऊपर एक ए बच जाएगा। हाँ बचेगा। यस हैं, एक्स बाई ए का भी तो नहीं, एक्स बाई ए का भी तो ये आएगा ना एक। यस सर। अरे क्या कह रहे हो तुम ये भाई, एक्स बाई ए का होल स्क्वायर प्लस वन, फिर एक्स बाई ए का डिफरेंशिएशन नहीं करते हो क्या तुम? ना मतलब कुछ भी दे रहे हो बीच में। अगला हो dx अपॉन a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ये होता है 1 बाई 2 a ln mod a प्लस x बाई a माइनस x प्लस c। तीन फॉर्मूले दिए, ठीक? फॉर्मूले एकदम आराम से समझ लीजिए, याद रखने का टेक्निक समझिए। देखो dx अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, dx अपॉन x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, dx अपॉन x स्क्वायर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। अगर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर है तो 1 बाई a बाहर और साथ में tan inverse, क्योंकि ये tan inverse टाइप वाली फीलिंग है। जब x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर होगा तो 1 बाई 2 a रहेगा, जब a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर रहेगा तो भी 1 बाई 2 a रहेगा। अच्छा, जब x का कोफिशिएंट प्लस रहेगा क्या रहेगा? तो यहां पे आएगा x माइनस a x प्लस a, और जब
या ऐसे समझो, जब ए स्क्वायर निगेटिव रहेगा तो एक्स माइनस ए ऊपर रहेगा, जब ए स्क्वायर निगेटिव रहेगा तो एक्स माइनस ए ऊपर है, जब ए स्क्वायर पॉजिटिव रहेगा तो ऊपर ए प्लस एक्स आएगा तो नीचे ए माइनस, ये याद रखने की टेक्निक है। एक्स माइनस ए कब आएगा, जब ए स्क्वायर निगेटिव है, और ए प्लस एक्स कब आएगा, जब ए पॉजिटिव। क्या तीनों फॉर्मूले हमें समझ आ रहे हैं, बताओ। अभी इनका प्रूफ करेंगे, वो दिक्कत नहीं है, प्रूफ तो अभी आराम से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अरे हाँ है ना भाई, समझ आया। अच्छा, इसके बाद तीन और नए फॉर्मूले आएंगे इनके रूट के साथ। पहले में रूट लगा देंगे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर में, फिर रूट लगा देंगे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर में, फिर रूट लगा देंगे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब तीन रूट के साथ तीन बिना रूट के, ठीक है। अब देखो, पहले जब रूट में फॉर्मूला लगाएंगे तो ये आएगा एल एन मॉड एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी, ये आएगा एल एन मॉड एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। दोनों फॉर्मूले एकदम आसान है, जब रूट लगा होगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, मतलब एक्स पहले होगा तो सीधा एल एन में लगा देना है रिजल्ट एक्स, और फिर जिसमें रूट लगा है वो एक्स, जिसमें रूट लगा है। और जब ए स्क्वायर पहले आएगा तो ये रिजल्ट आता है साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस, और ये छह रिजल्ट डायरेक्ट यूज होते हैं, ये दिखने के छह रिजल्ट हैं, अभी इनको घुमा फिरा के इतनी तरीके से यूज करेंगे कि इनका यूज बहुत ही ज्यादा होता है। तो 17 और 6 23 रिजल्ट हो गए आपके पास। याद रखने की टेक्निक एकदम सिंपल सी है, तो उसमें ज्यादा दबाव लेना नहीं है। समझ रहे हैं कि नहीं? नहीं समझ रहे हैं? चलो, अब आओ, इसके प्रूफ लिख लिया सबने कि नहीं? लिख लिया तो देख लो, कोई दिक्कत आ रही बताओ। अब जब इसका प्रूफ करने जा रहे हैं ना, तो इसका प्रूफ करते वक्त बहुत सारी चीजों का ध्यान रखिएगा। इसका प्रूफ करते वक्त अभी हम बहुत सारी चीजों का ध्यान रखेंगे छोटी छोटी, ठीक है। देखो, सबसे पहला रिजल्ट बताओ, हम रिजल्ट प्रूफ करने जा रहे हैं dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये होता है 1 बाई ए टेन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस। अच्छा, पहली फीलिंग क्यों, देखो जरा ध्यान से। सबसे पहले हमने क्या किया, ए स्क्वायर किया कॉमन, तो ये बन गया x बाई ए का होल स्क्वायर प्लस 1। और फील करो, क्या ये रिजल्ट dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर टाइप फीलिंग दे रहा है? yes, x की जगह x बाई ए लिखा हुआ है। एक्स की जगह क्या लिखा हुआ है भाई? एक्स बाई ए। कैसे एक्स बाई ए आता है? तो आपके पास टेक्निक है, आप जो एक्स का कोएफिशिएंट है उससे डिवाइड कर देते हैं और बाकी वही एक्स बाई ए यहाँ लिख देते हैं। अरे हाँ है ना, जैसे ए स्क्वायर से ए कैंसिल करोगे, 1 बाई ए टेन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी आ जाएगा। कितने लोग ये बात समझ पा रहे हैं? अरे हाँ है ना। क्या ये पहले फॉर्मूले का प्रूफ क्लियर हुआ? अच्छा, ये इस फॉर्मूले को प्रूफ करने का एक तरीका था जो आपको दिख रहा है, समझ गए? अच्छा, अब इस फॉर्मूले को प्रूफ करने का दूसरा तरीका और एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इस तरीके में एक छोटा कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है, इस तरीके को समझिए। जब भी आपको कहीं भी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर नजर आए, जब भी आपको कहीं भी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर नजर आए, तो हम सब्स्टिट्यूट करते हैं क्या, एक्स को ए टैन थीटा या ए कॉट। जब भी हमें एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर नजर आएगा तो हम एक्स को क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, ए टेन थीटा या ए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सब्स्टिट्यूशन का। इंटीग्रेशन में कई बार सब्स्टिट्यूशन करके हम थीटा में ले जाते हैं, फिर इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं। तो जहां हमें एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर नजर आएगा, वहां हमें किस सब्स्टिट्यूशन पे दिमाग चलाना है, ए टेन थीटा या ए। अब आओ, हमें दिया था dx by x square plus a square, तो हमने x को रख दिया a tan theta। अच्छा, जब x को a tan theta रखोगे तो dx जो है वो a sec square theta d theta होगा कि नहीं? हाँ है ना, रख दो जरा।
ये हो गया ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, और ये बन गया ए स्क्वायर वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अरे हाँ यार बोलो भाई। अच्छा यहाँ से वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा ही सेक स्क्वायर थीटा हो गया, पूरे से एक वन बाई ए बाहर आ गया और बचा क्या डी थीटा। अच्छा वन बाई ए थीटा प्लस सी, अगर एक्स बाई ए टेन थीटा है तो थीटा की वैल्यू क्या टेन इनवर्स एक्स बाई ए है, ये बात फील कर पा रहे हो? तो यहाँ पे आंसर सीधा क्या आ गया, वन बाई ए टेन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस क्या है, दूसरा मेथड कनेक्ट हुआ। दूसरे मेथड में ये कॉन्सेप्ट था कि जब आपको एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दिखेगा तो आप चीजें ऐसे सोच सकते हैं, एक्स को क्या रख देंगे उस केस में, ए। लिखा फॉर्मूला भाई, लिखो छह फॉर्मूले प्रूफ करेंगे, हर फॉर्मूले की प्रूविंग में अपने आप में एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, तो वो आपको सीखने को मिलेगा, इसलिए हम छह को के छह रिजल्ट प्रूफ करेंगे। अभी हमने पहला प्रूफ किया। अच्छा रिजल्ट क्वेश्चन में डायरेक्ट यूज होता है, ये फॉर्मूला क्वेश्चन में डायरेक्ट यूज होता है, तो आप डायरेक्ट यूज कर देंगे, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कौन सा फॉर्मूला नहीं लिख पाई हो बताओ, बोल दे, वो लिख दे यहीं पे, कौन सा नहीं लिख पाई हो बोलो। लास्ट वाला बेटा, dx अपॉन रूट अंडर वाला या बिना रूट वाला? बिना रूट वाला, बिना रूट वाला। a स्क्वायर पहले था और एक्स स्क्वायर बाद में था, तो वन बाई टू ए तो आना ही था, और ln में चूंकि ए स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो पहले आएगा ए प्लस एक्स फिर आएगा ए प्लस, ठीक है? Yes, sir. और बताओ बाकी फॉर्मूले का प्रूफ और कॉन्सेप्ट समझ आया कि नहीं, बोलो भाई। जब एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दिखेगा तो यू विल गो थ्रू दिस सब्स्टिट्यूशन समटाइम्स, दैट इज एक्स इज इक्वल टू ए टेन थीटा या ए कॉट। चलो एक सेकेंड, इन्होंने मांगा है तो कुछ एग्जांपल कर ही लो। जैसे मान लो आ जाए dx अपॉन x स्क्वायर प्लस 2, आंसर बोलो 1 by root 2 tan inverse x by root 2 tan x by, समझ आया कि नहीं? वेरी गुड। dx अपॉन 5x स्क्वायर प्लस 16, आंसर बोलो 1 by 4 देखो बेटा, देखो देखो देखो, ना 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 गड़बड़ कहाँ की, यहाँ पे आएगा रूट फाइव एक्स का होल स्क्वायर और यहाँ आएगा फोर का स्क्वायर, देखा? तो सबसे पहले तो रूट फाइव आ गया, तो एक रूट फाइव एक्स का कोफिशिएंट आ गया भाई, लीनियर फैक्टर, तो रूट फाइव तो सीधे बाहर होगा। आप फॉर्मूला चलाएंगे तो वन बाई फोर बाहर आएगा और टेन इनवर्स रूट फाइव एक्स बाई फोर, ये देखा क्या किया मैंने, ये जो वन बाई रूट फाइव आया इस रूट फाइव एक्स की वजह से आया, याद है ax प्लस b वाला कॉन्सेप्ट, वो भूलिएगा नहीं एकदम। फॉर्मूला हमने x में पढ़ा और यहाँ ax है, तो उसका भी तो a बाहर लेंगे और फिर इस वाले का भी 1 by 4 बाहर लेंगे और फिर फॉर्मूला लेंगे। कितने लोगों को समझ आए दोनों एग्जांपल भाई? यस सर। ध्यान रखिए छोटी छोटी चीजें हैं जो स्पीड से होती है और उनको एकदम ऑप्ट करना होता है। क्या एग्जाम्पल कनेक्ट हो रहा है नहीं हो रहा है बोलो? चलो अगला प्रूफ करें। yes. अब अगला जो प्रूफ आता है वो रिजल्ट आता है dx upon x square minus a square। याद रखने की टेक्निक क्या दी थी, 1 by 2 आएगा ln, x square कैसा है, a square कैसा है, नेगेटिव, तो ऊपर आएगा x minus a, नीचे x plus a, पक्का ना? वेरी गुड। अब देखो इसका प्रूफ, पहला मेथड ये है कि अगर dx के साथ इसको देखो तो ये लिखा हुआ है x plus a x minus a, अरे हाँ है ना, यानी जब भी यहाँ पर लीनियर फैक्टर आ जाए तो आप इसको पार्शियल फ्रैक्शन से ब्रेक कर सकते हो, क्या 1 by 2a in bracket 1 upon x minus a minus 1 upon x plus a, चेक करियो
अगर एलसीएम लोगे, एलसीएम लोगे तो वही आ जाएगा ना, एक्स प्लस ए माइनस एक्स प्लस ए डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए, एक्स और एक्स कैंसिल, टू ए टू ए टू ए। दिखा क्या ब्रेकिंग दिखी? इन दोनों के डिफरेंस को हमने ऊपर लिख लिया, टू ए, टू ए को लिख दिया ए प्लस ए, एक बार एक्स ऐड कर दिया, एक बार एक्स सबट्रैक्ट कर दिया, एक बना दिया एक्स प्लस ए और एक बना दिया एक्स माइनस ए, और इसी को किससे डिवाइड कर दिया, एक्स प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए से। तो ये दो पार्ट हमने ब्रेकिंग कैसे सोची, दिखा? अरे हाँ है ना। अब बताओ क्या हम इसका इंटीग्रेशन कर पाएंगे? कर लेंगे यार, वन बाई टू ए तो बाहर ही है। इसका इंटीग्रेशन आएगा ln mod x माइनस ए, इसका आएगा ln mod x प्लस ए, और साथ में क्या आ जाएगा, सम कांस्टेंट सी। तो क्या ये 1 बाई 2 ए ln mod x माइनस ए अपॉन x प्लस ए प्लस सी हो गया कि नहीं? दिखा कहते हैं इंटीग्रेशन किया। तो इसमें जो इस फॉर्म, इस मेथड में जो सीखने वाली चीज थी वो ये थी कि अगर यहाँ लीनियर फैक्टर आ जाए तो उनको हम ब्रेक कर सकते हैं अलग अलग लीनियर फैक्टर्स में। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? अरे हाँ या ना, ये बात फीलिंग देखी। अच्छा अब एक मैं आपको शॉर्टकट दे रहा हूँ, पार्शियल फ्रैक्शन में कैसे ब्रेक किया जाता है, एक शॉर्टकट है। जैसे देखो, वन अपॉन एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए आएगा, देखना जरा ध्यान से, दिख रहा है? तो आप इसको लिखोगे ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स प्लस ए। अरे हाँ है ना। अच्छा अगर आपको ए निकालना है तो क्या करोगे, बी वाला टर्म भूल जाओ, लिखा है नहीं लिखा मतलब है नहीं, x माइनस ए से x माइनस ए को कैंसिल कर दो। अच्छा ये कब जीरो हो रहा है, a पे, और यहाँ पे a रख दो, तो क्या ये वैल्यू 1 बाई 2a आ गई। अच्छा b के लिए क्या करो, सेम, इसको भूल जाओ, इसको और इसको कैंसिल कर दो। अच्छा ये जीरो कब हो रहा था, माइनस ए पे, अब माइनस ए रख दो, तो क्या ये माइनस 1 बाई 2a आ गया। तो वही ब्रेक आया कि नहीं? क्या ये मेथड, शॉर्ट मेथड सीखे? जब अभी आगे चल के डिटेल में आएगा तब की तब सीखें। अगर ये सीख गए हो तो जरा बताना, वन अपॉन एक्स हो, एक्स प्लस वन हो और एक्स प्लस टू आ जाए, इसको ब्रेक कैसे करोगे भाई? ए बाई एक्स है, बी बाई एक्स प्लस वन और सी बाई एक्स प्लस टू, यही तो होगा। आप सोचो ए की वैल्यू कैसे निकालोगे, बाकी सब भूल जाओ, एक्स और एक्स कैंसिल करो, एक्स की जगह क्या रख दो, जीरो। क्या ये वन बाई टू हो गया? बी कैसे निकालोगे, सब कुछ भूल जाओ, x प्लस वन से x प्लस वन कैंसिल कर दो और x को रख दो माइनस वन, माइनस वन वन, क्या ये माइनस वन आ गया। अच्छा c की वैल्यू कैसे निकालो, ये सब भूल जाओ, x प्लस टू से x प्लस टू कैंसिल कर दो और x को क्या रख दो, माइनस टू, तो माइनस टू और माइनस वन, तो क्या आ गया ये भी सी रख के तीन पार्ट में ब्रेक करते खट से सॉल्व हो गया। क्या ये शॉर्टकट दिखा, कनेक्ट हुआ कि नहीं ये बताओ मुद्दे की बात, क्या ये शॉर्टकट कनेक्ट हो रहा है लोगों को? अरे बोलोगे ऐसे ए बी सी निकाल पा रहे हैं, समझ आ रहा है कि नहीं? मेथड वन बोलो भाई। तो ये इंटरव्यू में कैसे ब्रेक किया है, दिखा ना सबको, ए और बी कैसे निकालने, बोलो पक्का ना? अब कितने भी लीनियर फैक्टर आ जाए, ए अपॉन बी अपॉन सी अपॉन और ए बी सी, सब निकालने का तरीका एकदम सेम है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। एक बार ए बी सी निकाल लोगे तो 1 बाई टू एक्स माइनस वन और 1 बाई टू, अब इसका तो इंटीग्रेशन कर ही लोगे यार अलग अलग, ln ln ln। अरे हाँ है ना। क्या ये मेथड वन से ये फॉर्मूला दिखा सबको, बोलो? अरे हाँ दिख गया तो पक्का ना भाई, वेरी गुड। अच्छा अब आते हैं मेथड टू, नोट कर रहे हो क्या अभी? इंटीग्रेशन में थोड़ा अलग स्टाइल से पढ़ाता हूँ, मतलब ऐसे ही मैं बताऊंगा आपको, ऐसे ही कॉन्सेप्ट दिखते चले जाएंगे। जहां देखो मैं आपको सिचुएशंस दिखाता जा रहा हूँ, ऐसी सिचुएशन जैसे ही दिखेगी आपका रिएक्ट ऐसे ही होना चाहिए। तो जैसे ही ये सिचुएशन नजर आए आप इंटीग्रेशन को वैसे ही ब्रेक करके सिंप्लीफाई कर दीजिएगा। मैं आपको हर सिचुएशन में डील करने का एक तरीका दे दूंगा, तो आपका इंटीग्रेशन किसी भी सिचुएशन में फंसेगा नहीं, हाँ है ना। बाकी टाइम के साथ जल्दी करना हम सीख ही लेंगे, वो दिक्कत हमें हो गया तो नोट कर लिया। अच्छा अब इसी सिचुएशन को डील करने का एक मेथड और हो सकता था, आज के बाद आपको कहीं एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर नजर आए, क्या नजर आए भाई, ए स्क्वायर। तो हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं एक्स को ए सेक थीटा,
या a cos थीटा। जैसे x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर था तो हम a tan थीटा और a cot थीटा सब्स्टिट्यूट करते थे। अगर x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर नजर आ रहा है तो हम x को a sec थीटा या a cos थीटा सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। अच्छा अब देखो ये सब्स्टिट्यूशन है, ध्यान रखने वाली बात है, समझ रहे हो कि नहीं भाई? अगर ऐसा दिखेगा तो आप ऐसे सोचकर इंटीग्रेशन कर सकते हैं, एक मेथड है ये। अब देखो जरा dx upon x square minus a square था तो भाई हम x को a sec theta रख सकते थे, इसका मतलब dx को हम रख सकते थे a sec theta into क्या tan theta। अरे हाँ है ना, d theta रख दो जरा भाई, तो a sec theta into tan theta d theta divided by a square sec square theta minus sec square theta minus 1 is nothing but tan theta। तो ये आ गया 1 by a sec theta d theta, अरे भाई ना 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 by tan theta हाँ, अच्छा tan theta को sin theta by cos theta रख देंगे तो ये 1 by 2 cos theta आ रहा है क्या? देखो अरे हाँ है ना, 1 by 2 क्या आ रहा है ये? अच्छा cos theta का इंटीग्रेशन कल हमने सीखा है क्या, 1 by a ln mod cos theta cot theta, याद आ रहा है सबको कि नहीं? यस सर। है ना, अब ध्यान से सुनिए, अगर sec थीटा की वैल्यू x by a है, sec थीटा कितना है x by a, तो बताओ व्हाट इज cos थीटा एंड व्हाट इज cot थीटा। दिमाग में एक ट्रायंगल बना लेते हैं, याद आ रहा होगा तो, ये थीटा सोचते हैं और x by a है तो उसका मतलब क्या होगा, ये a हो जाएगा, ये x हो जाएगा, नहीं उल्टा लिख दिए, ये x होगा और ये a, अभी ठीक है। तो ये वाली जो लेंथ आती है वो आती है x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अब बताओ cos थीटा क्या हो जाएगा, x बाई रूट अंडर x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। cot थीटा क्या हो जाएगा, a बाई रूट अंडर x स्क्वायर माइनस a। ये दोनों वैल्यू उठा के सब्स्टिट्यूशन यहां रखो तो 1 बाई a तो बाहर चल ही रहा है भाई साहब, यहां से आएगा ln mod x माइनस a बाई रूट अंडर x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। कितने लोग ये बात समझ रहे हो भाई? अरे हाँ है ना, अब ध्यान से देखना 1 बाई a ln, इसको आप लिख सकते हो रूट ओवर ऑफ x माइनस a अपॉन x प्लस a। ये दिखा सबको कि नहीं? अजीब नहीं दिखा? इसको इसके रूट का स्क्वायर लिख सकते हो कि नहीं? और ये x प्लस a x माइनस a लिख सकते हो कि नहीं? x माइनस a से एक रूट वाला x माइनस a कैंसिल हो जाएगा। अच्छा ये पावर हाफ है, हाफ पावर बाहर आएगी तो 1 बाई 2 ए बाहर आएगा और अंदर क्या बचेगा भाई, x माइनस ए एक्स प्लस ए प्लस। कितने लोगों को सब्स्टिट्यूशन वाले मेथड से समझ आया बोलो? तो जब इसमें सीखने वाली बात सिंपल इतनी थी, जब हमें x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर दिखेगा तो हमें कैसे रिएक्ट करना है, a sec थीटा रख देना x की जगह या x की जगह a tan थीटा, सॉरी a sec थीटा या a cos थीटा। क्या ये मेथड क्लियर हो रहा है? बोलोगे कि नहीं? नहीं बोल रहा, समझ आ रहा है सबको? इधर ऑनलाइन में लोगों को समझ आ रहा है तो बाकी लोग अभी आना क्यों नहीं शुरू कर रहे हो यार? तुम लोग क्या दिक्कत है, क्लास क्यों नहीं आते हो? क्यों बताओ कुछ तुम लोग? अनुज राजपूत, अनुष्का, आर्यन सिंह, क्यों तुम लोग? देवांश वाजपेयी, क्लास आना क्यों नहीं शुरू करते हो? करण गुप्ता, मिश्रा तिवारी, निखिल कुमार, निखिल शुक्ला, बोलोगे? शिखिर, शिवांग, स्नेहा जैन, लोग हैं कि नहीं है ऑनलाइन भाई? है सर। वंश, यश तिवारी, अभयराज, क्यों नहीं आ रहे हो कुछ बताओ भाई? स्कूल एग्जाम, स्कूल एग्जाम चल रहा है, चलो नोट हो गया तो आओ धीरे धीरे शुरू करो आना, घर से बाहर निकलो यार, है कि नहीं? मास्क लगाओ, सैनिटाइजर लगाओ, बाहर आओ,
धीरे धीरे बाहर आओगे तो सही आएगा। चलिए दूसरा वाला प्रूफ लिख लिया तो बड़े आगे। अब आओ थर्ड वाले। थर्ड वाला जो मेथड था वो था dx बाई a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। इसको याद रखने की टेक्निक क्या थी, 1/2a ln। पहले a पॉजिटिव है तो a प्लस x और फिर a माइनस और सम कांस्टेंट। फॉर्मूला तो याद है। अच्छा इसका पहला मेथड वही पार्शियल फ्रैक्शन लगा लेते हैं। तो अगर हम इसको देखें तो लिखा हुआ है dx अपॉन a प्लस x और a माइनस x। अगर हम इसको इस बार ब्रेक करेंगे तो 1/2a इन ब्रैकेट 1 अपॉन क्या आएगा, a प्लस x प्लस 1 अपॉन a माइनस x। तो x कैंसिल हो जाएगा कि नहीं देखो। अच्छा अब इंटीग्रेट करोगे तो 1/2a पहला वाला इंटीग्रेशन होगा 1 अपॉन बताओ इंटीग्रेशन क्या होगा, 1/2a पहला वाला इंटीग्रेशन होगा ln mod a प्लस x। अच्छा दूसरा वाला इंटीग्रेशन होगा माइनस ln mod a माइनस। माइनस क्यों आएगा समझ आया, क्योंकि एक्स का कोफिशिएंट नेगेटिव है। यहां से आएगा 1/2a ln mod a प्लस x अपॉन a माइनस x प्लस। क्या ये प्रूफ दिखा? वैसे पिछला वाला जो डेरिवेशन था उसमें ही एक माइनस साइन बाहर निकाल लेते, उसमें एक माइनस साइन बाहर निकाल देते उसमें मतलब इससे जैसे एक माइनस साइन बाहर निकाल ले तो सेम ही तो बन जाएगा बाकी। ना ना गबड़ा जाएगा ना, दो रिजल्ट अलग अलग है। एलएन की डोमेन डिस्टर्ब हो जाएगी बालक। पर मॉड लगा रखा है। अरे यही तो खेल है इसमें। यहां से तुम कह रहे हो एक माइनस बाहर कर लें, बट यहां से माइनस वो बाहर नहीं आएगा ना। नहीं समझे मेरी बात, मैं क्या बोला? तुम कह रहे हो यहां से एक माइनस बाहर कर लें सर, यही तो कह रहे हो। हाँ और इस फॉर्मूले को लिख दें क्या ऐसे, माइनस 1/2a ln mod x plus a by x minus a। ये कहना चाह रहे हो? हाँ ये और ये सेम नहीं लिखे हैं क्यों सर? सोच के देखो फिर बताओ। रेसिप्रोकल भी तो ठीक है, मतलब अप्रोच इसे बाहर, इसे बाहर निकाल लेंगे तो पिछला वाला बन जाएगा ना, ये वाला फॉर्मूला क्यों रहेगा? तो पिछला ही वाला तो लगाया है फॉर्मूला वाला, माइनस लिखा है ना साइड इसी में। नहीं सर ये सेम पिछला वाला फॉर्मूला ये था, x माइनस a अपॉन x प्लस a बनेगा ना। अच्छा हाँ ठीक, x माइनस a अपॉन x प्लस a। हाँ फिर अभी दोनों सेम कहाँ लिखे ये बताओ ना, वही तो जानना चाह रहे हैं। तो वो रेसिप्रोकल ले लेंगे, ln की प्रॉपर्टी होती है। अरे यार तो उसमें क्या है फिर, वहां पे तुम x माइनस a x प्लस, ठीक है कह सकते हो चलेगा, वो दिक्कत नहीं है। बट ln में दो रिजल्ट अलग अलग है, दोनों को अलग अलग याद रखने की टेक्निक करो, क्योंकि ऑप्शन में वो माइनस कॉमन वाली चीज होगी नहीं तुम्हारे सामने, ठीक है ना। मतलब एक ऑप्शन अगर ऐसे करके बना देगा तो चल जाएगा, मतलब आप ऐसा लगा सकते हो। अगर ऐसा ऑप्शन करके लिख देगा तो ओके चलेगा, ठीक है ना। इन जनरल क्या होता है, ये रिजल्ट अगर बिना मॉड के लिख दिया जाएगा तो डोमेन मैच करनी चाहिए ना, नहीं करना यस तो खेल वहां गड़बड़ा जाता है। बट ठीक है रिजल्ट दोनों सेम है, क्योंकि मॉड की वजह से माइनस कॉमन करना आसान है हमारे लिए। अगर इसी को देखो ना, मॉड की वजह से माइनस को कॉमन करना आसान पड़ जाएगा कि नहीं, मॉड में माइनस का अंतर आएगा नहीं, और इसका रेसिप्रोकल करके एक माइनस बाहर लेके माइनस एडजस्ट कर लेंगे, वो तरीका ठीक है। दोनों फॉर्मूले में कोई अंतर नहीं, सेम ही लिखे हैं बिकॉज ऑफ दिस मॉड। बट अगर ये बिना मॉड के लिख दें तो डोमेन जस्टिफाई करेंगे ना फिर हम, यस सर, उसमें थोड़ी सी दिक्कत आ सकती, बाकी ओके कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। माइनस कॉमन करना सही है, वो चलेगा, कोई दिक्कत उसमें है नहीं, ठीक है। तो चलो अब उसका दूसरा मेथड है सब्स्टिट्यूशन वाला, वो देख लो। अगर अब आज के बाद आपको कहीं ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दिखे तो आपको सब्स्टिट्यूशन करना है एक्स को या तो ए साइन थीटा, या एक्स को सब्स्टिट्यूट करना है ए कॉस थीटा। तीन सब्स्टिट्यूशन मैंने पढ़ा दिए हैं। अगर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दिखेगा तो ए टेन थीटा ए कॉस थीटा, अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर दिखेगा तो ए सेक थीटा ए कॉस एक्स थीटा, अगर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दिखेगा तो ए साइन थीटा या ए थीटा। अब आओ जरा हमें मिला क्या, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स को हमने रख दिया ए, डीएक्स हो गया ए कॉस थीटा डी थीटा,
सब्स्टिट्यूट करो, आ गया a cos थीटा d थीटा डिवाइडेड बाय a स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो गया? cos थीटा। ये a sec थीटा d थीटा हो गया कि नहीं बताओ? अरे हाँ है ना, कितने लोग समझ पाए भाई? अच्छा a sec थीटा हो गया, तो इसका मतलब sec थीटा का इंटीग्रेशन कल पढ़ा था ना, क्या पढ़ा था? ln mod sec अगर यहां से चलो आगे तो साइन थीटा आपको x by a दिया हुआ है, यहां से आपको sec थीटा चाहिए और क्या चाहिए? tan थीटा। अरे हाँ है ना, अब आओ, अगर साइन थीटा x by a दिया तो ये x और ये a होगा, तो ये लेंथ होगी रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। sec थीटा होगा रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए, और टेन थीटा होगा एक्स बाई रूट अंडर, उल्टा लिख दिया यार, ये होगा ए बाई रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये होगा एक्स बाई रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस। अब ये वैल्यू उठा गया तो वन बाई ए एल एन मॉड ए प्लस एक्स बाई रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सम कॉन्स्टेंट सी। यहां से वही चीज हो गई कि नहीं? देखो रूट अंडर ए प्लस एक्स बाई ए माइनस एक्स प्लस सम कॉन्स्टेंट सी, आ गया वन बाई टू ए एल एन मॉड ए प्लस एक्स बाई ए माइनस एक्स प्लस सी। क्या है सब्स्टिट्यूशन, समझ आया सबको? बोलो क्या हमें ये सब्स्टिट्यूशन दिखा? पक्का ना भाई? कोई डाउट या कंफ्यूजन हो तो अपनी बात बोल सकते हो अभी तुरंत। समझ आ रहा होगा? किसी को डाउट या कंफ्यूजन हो तो बोलो, आगे बढ़े तो। यस सर। अब आओ जरा, तीन फॉर्मूले अभी हमने पढ़े, ठीक है? अब जरा इन तीन फॉर्मूले से पहले कुछ क्वेश्चन करो, जरा इसका आंसर बताओ। dx अपॉन x स्क्वायर माइनस 4, dx अपॉन 5x स्क्वायर माइनस 16, dx अपॉन 9 माइनस 4x स्क्वायर, पहले 9 माइनस एक्स स्क्वायर और फिर लास्ट बताना है dx अपॉन 16 माइनस 25। चलो पहला आंसर 1/4 ln 2 ln mod x माइनस 2 अपॉन x प्लस 2 प्लस c। कोई दिक्कत? 1/2 का मतलब 1/4, 2 इंटू 2 रहा। सेकंड आंसर बोलो 1 बाई, अच्छा रूट 5 तो इसकी वजह से आएगा, और फिर 2 इंटू 4 आएगा तो 8, 2 इंटू 4 और फिर एल एन रूट 5x माइनस 4 अपॉन रूट 5x प्लस। कितने लोग दूसरा आंसर समझे भाई? यस सर। पक्का ना? बेटा 2a नहीं समझे मतलब, क्या हम दूसरा वाला आंसर समझे कि नहीं पहले ये बताओ? नहीं समझे तो हम पहले हम वो बताएं, बाकी लोगों को दिख रहा है कि नहीं ये दिखाओ, बोलो भाई। यस सर। इसमें एक्चुअल में ये किया मैंने dx अपॉन रूट 5x का होल स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, तो रूट 5x की वजह से रूट 5 बाहर और 2a तो बाहर आ ही गई। अगला वाला बोलो 1/6 ln 3 plus x upon 3 minus 1/6 ln mod 3 plus x by 3 minus x. Very good. अगला बोलो 1/5 आएगा 5 वाला और फिर 8 बार आएगा 4 वाला और ये आएगा ln mod 4 plus 5x upon 4 plus 5x plus c. कोई दिक्कत हो तो बताओ? लास्ट वाले आंसर में कोई दिक्कत हो तो बताओ? पक्का है तो? कोई दिक्कत नहीं है तो बोलो भाई, ये 5 क्यों मार आया दिखा?
और ये एट कहां से आया, टू ए वाला। अब ये तीनों फॉर्मूले एकदम धड़ल्ले से लगा लेंगे जहां जरूरत पड़ेगी। बताओ भाई, फोर का स्क्वायर माइनस फाइव एक्स का, एक फाइव से बाहर हो गया कि नहीं भाई? चलो ये तीन फॉर्मूले हमारे एकदम सॉलिड हो गए। बोलो भाई, कोई दिक्कत किसी को? करा होते हैं हम लोग। अब हम आते हैं रूट वाले पे। रूट वाले पे पहला रिजल्ट है रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। देखा, अच्छा इसको सॉल्व करने की एक टेक्निक मैं आपको दे चुका हूँ। अच्छा ये होता है ln x plus root under x square plus a square plus c। अच्छा इसको सॉल्व करने की टेक्निक क्या दी है मैंने भाई, जब x square plus a square दिखेगा तो क्या करेंगे, x को क्या रख देंगे भाई, a tan theta। इसका मतलब dx क्या हो जाएगा, a sec square theta d theta। रख दो जरा, तो a sec square theta d theta बाई रूट अंडर ए स्क्वायर वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो क्या ये वन बाई टू sec थीटा d थीटा आ गया, वन प्लस टेन स्क्वायर sec, sec बाहर, sec sec कैंसिल। अच्छा sec थीटा का इंटीग्रेशन तो हमने पढ़ा ही है, क्या पढ़ा है भाई, ln mod of sec x plus, इसमें कोई डाउट है, a कोई बाहर नहीं आएगा ना। अच्छा a तो कैंसिल हो जाएगा क्या, ये तो बाहर ही नहीं आ रहा यार, गड़बड़ हो गया। अरे हाँ है ना, ये तो कैंसिल हो गया ना, ये यहाँ तक पहुंच गया। अच्छा अब तो आसान है यार, यहाँ पे टेन थीटा हमें क्या दिया हुआ है, एक्स बाई ए, तो यहाँ से हमें चाहिए सेक थीटा, और क्योंकि टेन थीटा तो हमें पता ही है, तुरंत दिमाग में एक ट्रेंगल बनाएंगे खट से कि नहीं बताओ एक्स और ए लेके, तो ये हो जाएगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सेक थीटा की वैल्यू क्या दिख रही है, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई ए। रख दो जरा उठा के, क्या आएगा, ln mod root under x square plus a square plus x by a और सम कांस्टेंट c। दिखा सबको, अच्छा ध्यान से देखिएगा, ln mod x plus root under x square plus a square एक नया कांस्टेंट c dash हो गया कि नहीं, ये बताओ भाई। यहां से एक्स्ट्रा में एक माइनस ln a और आएगा, ln a और इस c को मिला के हम एक नया कांस्टेंट लिख सकते हैं कि नहीं, ln a तो कांस्टेंट है ना हमारे लिए। अरे हाँ या ना, तो क्या ये पहला मेथड सबको नजर आया कि नहीं, ये बताओ, इसके प्रूफ का पहला मेथड नजर आया सबको, देख तुरंत कैसे प्रूफ किया, दिखा, किसी को डाउट हो तो अपनी बात बोल सकता है अभी तुरंत। अच्छा इसी को प्रूव करने का दूसरा तरीका क्या हो सकता है, हम क्या करें, ऊपर नीचे x प्लस रूट अंडर x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर से डिवाइड, ये अच्छा ये डिवीजन हम क्यों सोच रहे हैं अभी आपको बताते हैं। आपको याद होगा आपने डिफरेंशिएशन करते वक्त एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का डेरिवेटिव किया था, तो ये आएगा वन प्लस टू एक्स बाई टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इन टू डी एक्स एच डी टी, टू से टू कैंसिल, तो ये आ जाता है एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स इज डी टी। तो इतना पोर्शन क्या बन गया, क्या बन गया, डी टी। तो ये आ गया डी बाई टी का इंटीग्रेशन, और डी टी बाई टी का इंटीग्रेशन तो आप एल एन टी ही लिखते हो ना भाई। yes, अरे हाँ है ना, तो हमने इसीलिए इससे ऊपर नीचे क्या कर दिया, मल्टीप्लाई, ऐसे भी सोच सकते हैं। क्या है दोनों प्रूफ समझ में, पहला मेथड तो देखते ही पता चल गया होगा क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आते ही क्या करना होता है, अब तो आइडिया है ना आपके पास, एक्स को ए टेन थीटा या ए को आठ थीटा रखना होता है। बाकी लोग भी बीच बीच में अपनी बात बोलते रहा करो भाई, बाकी लोग कुछ बोलते नहीं। अक्षत निगम क्लास में हो कि नहीं, आदित्य गुप्ता, आर्यन सोनकर, आर्यन सिंह,
बिठाए ना में बोलेंगे लोग कि नहीं? यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। समझ आ रहा है तो? यस सर। सागर मिश्रा, सागर मिश्रा, यस सर। अकल सक्सेना, यस सर। कैमरा सबके ऑफ है, ऐसा क्यों? अरे आगे आगे बढ़े भाई, बोल दो। यस सर। चलो अब इसमें अगला जो हमने रिजल्ट पढ़ा था वो था dx अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये भी सेम था, ln मॉड x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। दिखा? अच्छा, इसको प्रूव करने का पहला मेथड क्या होना चाहिए? अगर हमें एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर दिखेगा तो एक्स को क्या रखते हैं? ए sec थीटा। डी एक्स क्या बन जाएगा भाई? ए sec थीटा इंटू टेन थीटा डी थीटा। सब्स्टिट्यूट करो तो आएगा ए sec थीटा टेन थीटा डी थीटा अपॉन ए कॉमन और रूट अंडर वन माइनस sec स्क्वायर थीटा माइनस वन, मतलब टेन थीटा। टेन थीटा टेन थीटा और ए कैंसिल। अभी भी क्या आ गया भाई? sec थीटा का इंटीग्रेशन अभी भी क्या हो गया? ln mod sec थीटा प्लस प्लस सम कांस्टेंट सी। अब यहाँ अंतर क्या है? यहाँ से sec थीटा की वैल्यू कितनी है इस बार? x by a। तुरंत दिमाग में ट्रायंगल खींच देंगे कि नहीं? अरे बोलो, इसमें ये क्या होगा x और ये क्या होगा a, तो ये क्या आएगा? x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। यहाँ से हमें किसकी वैल्यू चाहिए? tan थीटा की। tan थीटा की वैल्यू होगी रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई ए। सब्स्टिट्यूट करो जरा, जाएगा ln mod x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई ए। अच्छा, a हटाने का तरीका सिंपल होता है, ln mod x माइनस ए स्क्वायर और प्लस का ये क्या बन जाएगा? ठीक है, दिखा कि नहीं भाई? ये मेथड तो ओके था इस बार, बोलो, कोई दिक्कत नहीं थी ना? अरे हाँ है ना। अच्छा, इसको प्रूव करने का दूसरा मेथड किससे मल्टीप्लाई कर ले इस बार? x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर से, और इसी को क्या मान ले? t। अरे बोलोगे, जस्ट लाइक जो ऊपर वाले क्वेश्चन में सोचा। अब जैसे आप x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को t मानोगे तो 1 प्लस एक्स अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू dx, ये dt आएगा कि नहीं? यहां से x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इन टू डी एक्स डी टी होगा। और इस बार इतना क्या बन जाएगा? dx। अरे हाँ है ना, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? डी टी बाई टी, यानी ln mod t, और t तो ये था ही। अरे हाँ है ना, इतने लोगों को समझ आ रहा है भाई? कोई कंफ्यूजन या डाउट आ रहा है तो वो बताओ, समझ आ रहा है तो वो बताओ। मेरे हिसाब से समझ आ रहा होगा, क्या कहते हो तुम लोग? नहीं आ रहा है क्या? आगे बढ़े हम लोग सर, नोट कर रहे हैं। अच्छा, लो जाते हो बीच बीच में तुम लोग। टेस्ट में मार्क्स नहीं आए यार तुम लोगों के, ऐसा क्यों? क्या करके आए थे पेपर में? है इतना पढ़ाने के बाद भी नहीं कर पाए ठीक से क्या? क्यों मार्क्स कम आने का रीजन क्या है? सिजिर सर, हमने तो डेंगू में दिया था। तुमने डेंगू में दिया था, तुम्हारा क्या है? नहीं, कोई रीजन नहीं, पता ही नहीं चल पा रहा रीजन। पता करो सर। हाँ बेटा, पेपर अटेम्प्ट कैसे किया करें, मतलब वो समझ नहीं आता है। चलो एक दिन क्लास लेते हैं जिसमें हम ये बता देंगे पेपर कैसे अटेम्प्ट लेते हैं, ठीक है? यस।
अब अगले टेस्ट से पहले एक दिन हम मीटिंग लेंगे, उसमें ये बता देंगे पेपर कैसे अटेम्प्ट लेना चाहिए, ठीक? यस। वो टेक्निक धीरे धीरे करके लगाना तो अटेम्प्ट लेने की आदत आ जाएगी। यस। लास्ट वाला प्रूफ करें। अच्छा लास्ट वाला फॉर्मूला था dx by root under a square minus x square। अरे ये तो याद है ना, क्या था? साइन इनवर्स x by a plus c। अच्छा इसका पहला मेथड तो देखते ही पता चल रहा है क्या है, साइन थीटा। तो dx क्या हो गया, a cos theta d theta, रख दो जरा, a cos theta d theta by a one minus sin square मतलब cos theta, तो d theta आ गया, d theta मतलब theta plus c, और theta ही क्या दिया हुआ है, sin inverse x by a, ये तो फील आ रहा होगा, यहाँ से sin theta x by a है, तो theta खुद क्या है, sin inverse। अच्छा इसको करने का दूसरा मेथड क्या है, साइन इनवर्स से मिलता जुलता है कि नहीं बताओ, ए स्क्वायर बाहर निकालने। हाँ, अगर आप ए बाहर कर लो तो ये बन जाएगा डी एक्स बाई रूट अंडर वन माइनस एक्स बाई ए का होल स्क्वायर। तो क्या हम इसमें ये वाला रिजल्ट यूज कर सकते हैं क्या, दैट इज साइन इनवर्स एक्स प्लस सी, याद आ रहा है कि नहीं, तो बन जाएगा वन बाई ए। अच्छा इसकी वजह से एक वन बाई ए बाहर, और यहाँ आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी, तो ये ए कैंसिल हो गया, तो क्या ये साइन इनवर्स एक्स बाई ए आ गया कि नहीं भाई। देख लो कोई डाउट आ रहा हो तो बताओ, समझ गए होंगे वैसे तो, पहला मेथड तो देखते ही सोच ले होगा, नहीं? अरे हाँ है ना, बड़े आ गए। हमने तीन फॉर्मूले पढ़े कि नहीं अभी पढ़े, बोलो। अब आओ जरा, जैसे क्वेश्चन आ जाए dx अपॉन रूट अंडर x स्क्वायर माइनस 16, dx अपॉन रूट अंडर x स्क्वायर प्लस 25, dx अपॉन रूट अंडर 9 माइनस x स्क्वायर, तीनों आंसर बोलो जल्दी से। और फिर आ जाए dx अपॉन रूट अंडर 4x स्क्वायर माइनस 25, dx अपॉन रूट अंडर 9x स्क्वायर प्लस 7, और dx अपॉन रूट अंडर 7 माइनस 2x स्क्वायर। पहला आंसर ln mod x प्लस रूट अंडर x स्क्वायर माइनस 16 प्लस c। दूसरा आंसर ln mod x प्लस रूट अंडर x स्क्वायर प्लस 25 प्लस c। दोनों आंसर ओके हैं। तीसरा आंसर sin इनवर्स x बाय 3 प्लस c। कोई दिक्कत तीनों में, तीनों आंसर में कहीं कोई दिक्कत हो तो बोलो, है क्या? तीनों आंसर में कहीं कोई दिक्कत? गुड। चौथा वाला, चौथे वाले में वही दिमाग लगाना होगा, ax वाला ln mod 4x plus under root 4x square minus, यहां पे क्या होगा, 4x का स्क्वायर नहीं, by 4 नहीं, by 2, by 2 यस, यही गड़बड़ा दे रहा है वो, 1 by 2 बार 2x की वजह से, और बाकी 2x plus root under 4x square minus 25, यहां पे x नहीं 2x आया है तो दिख रहा होगा, यस सर, x की जगह सब में क्या चल रहा है, 2x। अगला वाला, अच्छा इसको क्या लिखा होगा आपने, 3x का होल स्क्वायर प्लस रूट 7 का स्क्वायर, तो आप फॉर्मूला क्या लगा, 1 बाई 3x की वजह से, और ln mod 3x प्लस रूट अंडर 9x स्क्वायर प्लस 7। अरे हाँ या ना, ये जो ax प्लस b वाला कॉन्सेप्ट है ना, वो एकदम जैसे ही x को लीनियर फैक्टर से रिप्लेस कहीं भी दिखे तो आपको उसको सब्स्टिट्यूशन में लेना ही नहीं,
सीधे वन बाई ए से डिवाइड मारना है और एक्स को वही एक्स प्लस बी चला देना है। वो हथियार एकदम ऐसा है कि आप कहीं भी चला देंगे तो कतई गलत होने का स्कोप नहीं और आपका टाइम बच जाना है। लास्ट वाला फॉर्मूले टाइप दिख रहा है कि नहीं, रूट सेवन का होल स्क्वायर एंड रूट टू एक्स का होल स्क्वायर। तो पहले तो वन बाई रूट टू बार और साइन इनवर्स रूट टू एक्स बाई रूट सेवन सी। क्या हम ये रिजल्ट अब डायरेक्ट लगा लेंगे? बोलो भाई, छहों के छहों रिजल्ट समझ आ गए, उनका प्रूफ समझ में आ गया, चार पांच सिचुएशन कैसे सब्स्टिट्यूशन सोचेंगे समझ में आ गया कि नहीं? तो इन सारे प्रूफ्स में हमने आपको एक तो पार्शियल फ्रैक्शन थोड़ा सा सिखाया, दूसरा वो सब्स्टिट्यूशन वाला कुछ कॉन्सेप्ट सिखाया, इसीलिए प्रूफ इंपॉर्टेंट थे। समझ रहे हो कि नहीं सब लोग? बाकी ये रिजल्ट क्वेश्चन में आप डायरेक्ट यूज करेंगे, ये रिजल्ट क्वेश्चन में डायरेक्ट यूज करेंगे। हो गया? Yes. अब आते हैं, ये तो हो गए फॉर्मूले, अब इन फॉर्मूले का पहला एप्लीकेशन। हो गया? अब इस फॉर्मूले का पहला एप्लीकेशन देखो, कहीं भी हमें इंटीग्रेशन करना हो dx by quadratic का, कोई भी quadratic हो उसका इंटीग्रेशन करना हो, तो तरीका ये कहता है कोई भी quadratic कहीं भी आए, आप उसको x square plus a square लिख सकते हो, x square minus a square लिख सकते हो, a square minus x square लिख सकते हो। यहां पर ये जो x होता है वो एक लीनियर फैक्टर होता है, that is ax plus b। अगर ऐसा हो गया तो ये quadratic या तो इस फॉर्म में आएगी या इस फॉर्म में आएगी या इस फॉर्म में आएगी, और ये तो आपके पास डायरेक्ट रिजल्ट है अगर एक्स लीनियर है तो। अरे हाँ या ना, कुछ पल्ले नहीं पड़ा। अरे बोलोगे, या तो डीएक्स बाई क्वाड्रेटिक हो या डीएक्स बाई रूट क्वाड्रेटिक हो, तो क्वाड्रेटिक को आप इनमें से किसी फॉर्म में लिख लो जहां पे एक्स क्या हो लीनियर हो और अपना काम ऊपर वाले फॉर्मूले को यूज करके चला। अरे हाँ या ना, हवा कॉन्सेप्ट आया और चला गया, ऐसा हो गया क्या? आओगे? ऐसा हुआ, कॉन्सेप्ट आया और चला गया। अब देखो, रुक जाओ अभी एक सेकेंड। अब देखो मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला जैसे कोई भी क्वाड्रेटिक आप अपने उठा लो, जैसे मान लो हम क्वाड्रेटिक वाले एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वन, क्या हम इसको एक्स स्क्वायर प्लस टू इंटू एक्स बाई टू प्लस वन बाई फोर प्लस वन माइनस वन बाई फोर एक्स प्लस वन बाई टू का होल स्क्वायर प्लस थ्री बाई फोर लिख सकते हो कि नहीं? मैंने वही कहा था ना, ये एक लीनियर फैक्टर हो जाएगा प्लस सम कांस्टेंट का स्क्वायर। अरे हाँ है ना, अच्छा यही हो जाता अगर यही क्वाड्रेटिक हो जाती है, अगर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन, ठीक ना, क्या हो जाता एक्स स्क्वायर प्लस टू इंटू एक्स बाई टू प्लस वन बाई फोर माइनस वन माइनस वन बाई फोर, तो अब आ जाता एक्स प्लस वन बाई टू का होल स्क्वायर माइनस फाइव बाई फोर। तो अभी भी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ऐसा दिखा नहीं? अच्छा अगर यही क्वाड्रेटिक हो जाती x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो पहले एक माइनस कॉमन करते, ये आ जाता एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। अरे हाँ है ना, अब आप इसको लिखते माइनस कॉमन एक्स स्क्वायर माइनस टू इंटू एक्स बाई टू प्लस वन बाई फोर माइनस वन बाई फोर प्लस वन। अरे हाँ है ना, अब यह आ जाता एक्स माइनस वन बाई टू का होल स्क्वायर प्लस का थ्री बाई फोर, तो क्या आ जाता है यहाँ करो माइनस, यहाँ क्या है माइनस, यहाँ भी क्या है, पहले गड़बड़ कर दिया था क्या? जब यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस लिखना भूल गए क्या? नहीं नहीं अभी सही था, तो यहाँ माइनस आएगा और ये क्या आएगा, माइनस का फाइव बाई फोर आएगा। देखो सही लिखा है क्या? अब ये रिजल्ट बनेगा फाइव बाई फोर माइनस एक्स माइनस हाफ का हो। तो कोई भी क्वाड्रेटिक होगी इन तीन में से किसी एक फॉर्मेट में ब्रेक होगी, या तो वो लीनियर का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होगी, या लीनियर का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होगी, या ए स्क्वायर माइनस लीनियर।
ये बात फील कर पा रहे हो कि नहीं, ये बताओ। इनमें से किसी को कोई कंफ्यूजन है, डाउट? अच्छा, जब भी आप इसको फैक्टराइज ऐसे ब्रेक करेंगे तो याद रखना एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमेशा वन बनाया जाता है, ये पता है कि नहीं? जैसे कहीं 3x² - 6x + 4 आ जाए तो पहले स्टेप में क्या कॉमन किया करोगे? और x² - 2x + 4/3, फिर क्या करोगे? एक्स स्क्वायर यहाँ से अगर 2 नहीं है तो 2 लो, यहाँ पे 2 था ही, तो यहाँ पे 1 ऐड और 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, समझ में आया? अगर 2 नहीं तो पहले 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे यहाँ पे। अच्छा, अब ये बनेगा x - 1 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तो एक ब्रेक हो गया कि नहीं? ये किसमें ब्रेक हो गया? लीनियर का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, मैंने वही लिखा था ना, ये इन तीनों में से किसी एक फॉर्मेट में एट ए टाइम ब्रेक हो ही जाए और इसके बाद आप सीधा फॉर्मूला लगा के अपना आंसर लिख सकते हैं। अच्छा, रूट हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ना रूट हो तो भी कोई दिक्कत। अच्छा, बेनिफिट क्या है वो देखो। जैसे सपोज हमें dx/x² + x + 1 को इंटीग्रेट करना होता, अभी हमने सीखा ना, हम इसको लिख सकते हैं x + 1/2 का होल स्क्वायर + 3/4, यानी हम इसको लिख सकते हैं dx/x + 1/2 का होल स्क्वायर + √3/2 का होल स्क्वायर। तो ये x² + a² वाला फॉर्म है कि नहीं? तो 1/a, याद आया, इंटू टैन इनवर्स, x की जगह क्या लिखना है? x + 1/2 / √3। अच्छा, x का कोफिशिएंट तो 1 था तो बाकी उसको लेने की जरूरत, वेरी गुड। अच्छा, इसी में अगर हम रूट लगा देते हैं, √√x² + x + 1 हो जाता, तो लगाने की जरूरत नहीं थी। √3/2 का होल स्क्वायर, ये पूरा किसमें आ जाता? अभी x² + a² रूट वाला फॉर्मूला चलता तो हो जाता ln mod x + 1/2 x की जगह, और प्लस रूट अंडर यही सेम x² + x + 1 और प्लस सम कांस्टेंट। समझ रहे हो कि नहीं? पक्के से? अगर यहीं पे होता dx/x² + x - 1, तो आपने अभी इसको लिखा था क्या, dx/x + 1/2 का होल स्क्वायर - 5/4। अब ये क्या बनता, dx/x + 1/2 का होल स्क्वायर - √5/2 का। अब फॉर्मूला लगाते तो 1/2a ln mod x + 1/2 - √5/2 x + 1/2 + √5/2 + c। यहाँ 2 एलसीएम एलसीएम तो ले ही लोगे, वो दिक्कत। अच्छा, इसी में अगर हम इसको रूट में बंद कर देते तो रूट वाला बस फॉर्मूला लग जाता, क्योंकि हम क्वाड्रेटिक को तो लीनियर फैक्टर में लिख ही लेते ना ऐसे करके। तो x + 1/2 का होल स्क्वायर - √5/2 का होल स्क्वायर पूरा किसमें आ जाता भाई? रूट में। और सीधा फॉर्मूला लगाते तो ln mod x + 1/2 + √√x² + x - 1 + some constant। चलिए, लोग समझ आ रहा है? गुड। अच्छा, यहीं पे अगर ये हो जाता dx/x - x² + 1, तो यहाँ पे क्या करते, अभी आता dx/5/4 √5/2 - x + 1/2 - x - 1 सही है तो? यस सर। अब ये फॉर्मूला क्या बनता? sin inverse x - ½√5/2 और प्लस का c। अच्छा, अब भाई साहब यही चीज अगर रूट में आ जाती x - x, तो एक सेकंड, ये साइन इनवर्स कैसे लगा दिए? रूट में लिखा है क्या? हाँ, ये ध्यान रखना, ये गलती होती है। रूट वाला फॉर्मूला होगा तो साइन इनवर्स आएगा, यहाँ पे क्या लगेगा? a² - x² 1/2a ln mod a + x / a - x। अरे हाँ, या ना? पक्का ना? अच्छा, अगर यही चीज रूट में होती तो जो आप कह रहे थे वो हो जाता। बोलो भाई, ये पहला वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया, इस फॉर्मूले को यूज करने का तरीका? 1/2 √5/2। अच्छा, एलसीएम एलसीएम लेके सॉल्व तो करी। तो यानी ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है भाई, अगर या तो dx के साथ क्वाड्रेटिक हो या dx के साथ रूट को ही हो, अरे यहाँ कांस्टेंट हो तो उससे फर्क,
तो बाहर आ जाएगा ना, यानी डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक या रूट क्वाड्रेटिक हो तो कोई अंतर नहीं। आप सीधा उस क्वाड्रेटिक को लीनियर स्क्वायर प्लस ए वही परफेक्ट स्क्वायर में चेंज करेंगे और सीधा तो फॉर्मूला लगा देंगे, क्योंकि भाई यहाँ पे अगर लीनियर फैक्टर आएगा तो उसके फॉर्मूले में कोई चेंज, अगर लीनियर को फैक्टर का कोफिशिएंट आएगा तो उसको डिवाइड कर लेंगे नहीं, और यहाँ पे वैसे कोफिशिएंट आएगा नहीं क्योंकि एक्स को एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को तो पहले ही वन बना लेंगे ना। अरे हाँ है ना, और परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाएंगे वो आपने देख ही लिया, दिख गया कि नहीं? नहीं दिख रहा, दिख गया नीचे कर दीजिए, नीचे क्लिक नहीं हुई बाकी। सबसे नीचे आपने कौन सा लिखा x माइनस x स्क्वायर प्लस 1 या 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4? वो लिखा नहीं वो। अरे वो तो बस इसलिए बताया था कि 3 कॉमन करते हैं। अरे हाँ है ना, हो गया। ये लिख लिया था कि नहीं? यस सर। आगे कॉन्सेप्ट और पढ़ा दें, ये हम भेज देंगे तो लिख लेना। बोलो, क्योंकि 10 मिनट है, कॉन्सेप्ट और बता देते हैं फिर भेज देंगे इसको, लिख लेना ठीक है? तो यस सर। चलो अब इसका अगला यूज क्या होता है, सेम जो कॉन्सेप्ट पढ़ाया वो अगला यूज सेम रिजल्ट का यहाँ आता है। अगर यहाँ पे एक लीनियर फैक्टर हो और यहाँ पर क्वाड्रेटिक हो, इसका इंटीग्रेशन करना हो, या यहाँ पर लीनियर फैक्टर हो और यहाँ पर रूट क्वाड्रेटिक हो, इसको इंटीग्रेट करना हो, या रूट के अंदर दो लीनियर हो, लीनियर वन लीनियर टू, सबका इंटीग्रेशन सेम तरीके से करें। ठीक करेंगे क्या? जो भी न्यूमरेटर में लीनियर है उसको, जो भी न्यूमरेटर में लीनियर है उसको a इंटू डी वाई बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर की क्वाड्रेटिक प्लस b से रिप्लेस कर देंगे। समझ गए? इसके बाद a और b कैसे निकालोगे? a और b के लिए क्या करोगे, कंपेयर करोगे किसको? ए और बी के लिए कंपेयर करोगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड कांस्टेंट। अरे हाँ है ना, एक्स की पावर जीरो समझते हो ना, कांस्टेंट होता है, तो लिख दो कांस्टेंट नहीं तो, और ए और बी निकाल के ब्रेक कर दोगे, दो पार्ट में इंटीग्रेशन ब्रेक होगा, दोनों आराम से सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा ये वाला जो है इसको इसमें ब्रेक कर सकते हो, कैसे? जो ऊपर वाली लीनियर है उससे मल्टीप्लाई कर लो। अरे इसमें क्या करोगे, जो ऊपर लीनियर लिखी है उसके ऊपर नीचे क्या कर लो, मल्टीप्लाई। अच्छा यहाँ पे दो लीनियर का प्रोडक्ट आ गया कि नहीं, और दो लीनियर का ये प्रोडक्ट क्या होता है? अरे बोलोगे तो ये लीनियर वाई क्वाड्रेटिक में ब्रेक हो गया कि नहीं, और इसके बाद जो ऊपर लीनियर लिखी है उसको तो ब्रेक करने का तरीका आपके हाथ में है ना। अरे हाँ या ना, तो जो भी न्यूमरेटर में लीनियर लिखी है बस उससे आप ऊपर नीचे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। कितने लोग क्वाड्रेटिक वाले में क्या बताया था आप? सेम जैसा क्वाड्रेटिक में वही रूट क्वाड्रेटिक, ठीक है ना? ये मेथड हुआ, लोग जॉब एग्जांपल देखोगे तो मेथड एकदम अंदर तक सेट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो जब भी लीनियर वाई क्वाड्रेटिक या लीनियर वाई रूट क्वाड्रेटिक आएगा तो आपको क्या करना है ये फील आया? आप देखो करना कैसे होता है। जैसे मान लो क्वेश्चन आया 2x + 3 / 3x स्क्वायर माइनस x + 1 * dx, ठीक, तो तुरंत 2x + 1 को क्या लिखेंगे, 2x + 3 को a into
सिक्स एक्स माइनस वन प्लस बी, ये कैसे लिखा दिखा इसका डेरिवेटिव? अरे हाँ है ना। अच्छा आप कंपेयर करो, टू इक्वल टू सिक्स एक्स एंड थ्री इक्वल टू बी माइनस ए, यहाँ सॉरी सिक्स ए टू इक्वल टू एक्स का कोएफिशिएंट कंपेयर किया और कांस्टेंट कंपेयर किया, बोलो ए की वैल्यू वन बाई थ्री दिख रही है? अरे हाँ है ना। अच्छा और बी की वैल्यू जैसे ही वन बाई थ्री रखोगे ए को तो नाइन बाई टेन बाई थ्री, अब ए और बी मिल गए। इसका मतलब टू एक्स प्लस थ्री को ब्रेक करके क्या लिखोगे, वन बाई थ्री सिक्स एक्स माइनस वन प्लस टेन बाई थ्री, और अपॉन क्या आएगा थ्री एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इंटू डी। अब पूरा इंटीग्रेशन दो पार्ट में ब्रेक होगा, सिक्स एक्स माइनस वन अपॉन थ्री एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। अरे हाँ है ना, दिख रहा है ब्रेकिंग। अच्छा दूसरा ब्रेक होगा टेन बाई थ्री डी एक्स अपॉन थ्री एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। अच्छा ये इंटीग्रेशन हुआ आई वन, ये हुआ आई टू। अच्छा आई वन तो सॉल्व हो गया, इसको टी मानोगे ऊपर उसका डेरिवेटिव लिखा है, ये तो खेला था। अब समझ में आया व्हाई वी आर डूइंग ब्रेकिंग लाइक दिस? ये वाला इंटीग्रेशन सॉल्व करने का तरीका एकदम सिंपल है, क्या थ्री एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन को क्या रख दोगे, टी, खत्म। अरे बोलो, जैसे ही टी रखोगे तो इसका इंटीग्रेशन वन बाई टू एल एन मॉड थ्री एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन आ जाएगा। अच्छा आई टू के लिए तो डी एक्स बाई क्वाड्रेटिक है यार, और क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने का तरीका तो था ना हमारे पास, क्या होगा थ्री कॉमन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बाई थ्री प्लस वन बाई थ्री, थ्री कॉमन एक्स स्क्वायर माइनस टू इंटू एक्स बाई सिक्स प्लस वन बाई थर्टी सिक्स माइनस वन बाई थर्टी सिक्स प्लस वन बाई थ्री, थ्री कॉमन एक्स माइनस वन बाई सिक्स का होल स्क्वायर थ्री ट्वेल्व इलेवन बाई थर्टी सिक्स। दिख रहा है सबको कि नहीं, पक्का ना? तो यहां से इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा टेन बाई नाइन, थ्री बाहर किया ना, और ये बन जाएगा एक्स माइनस वन बाई सिक्स का होल स्क्वायर और साथ में रूट इलेवन बाई सिक्स का होल स्क्वायर। अच्छा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को सॉल्व करने का तरीका वन बाई टू ए, क्या वन बाई नो वन बाई टू ए, वन बाई टू ए टैन इनवर्स, वही बोल रहे थे क्या टैन इनवर्स ना, तो वन बाई रूट इलेवन बाई सिक्स टैन इनवर्स एक्स माइनस वन बाई सिक्स रूट इलेवन बाई सिक्स प्लस, अब दोनों इंटीग्रेशन ऐड करके आंसर लिख दो। समझ आ रहा है कि नहीं भाई? तो लीनियर फैक्टर आने के बाद क्या करोगे दिखा? अच्छा यही सेम क्वेश्चन, बस यहाँ क्या लगा देंगे रूट, अगर यहाँ क्या लगा दो रूट तो कोई अंतर नहीं है। मतलब यही सेम क्वेश्चन अगर आपके सामने आए टू एक्स प्लस थ्री हो, अरे हाँ है ना, और यहाँ पे रूट लग जाए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, देखो अरे हाँ है ना, तो भी तरीका सेम है भाई। टू एक्स प्लस थ्री को क्या लिखोगे, ए इंटू क्वाड्रेटिक का डेरिवेटिव प्लस बी, अब कंपेयर करोगे तो टू ए इक्वल टू टू, मतलब ए क्या हो गया वन और ए प्लस बी कितना हो गया थ्री, तो बी की वैल्यू कितनी आ गई टू। अब ये क्या ब्रेक हुआ टू एक्स प्लस वन प्लस टू, और दिखा भी नहीं, और बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, अरे बोलोगे। अब यहाँ पे आ गया टू एक्स प्लस वन बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वन इंटू डी एक्स, आराम डिसॉल्व हो रहा है कि नहीं, और ये आ गया टू अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वन। अच्छा इसको आई वन और आई टू वाली कैटेगरी में फिर से ले लेंगे, अरे हाँ है ना। अच्छा आई वन के लिए सोचो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन को क्या ले लोगे टी, तो ऊपर उसका डेरिवेटिव डी टी बाई रूट टी आएगा क्या, और रूट टी का इंटीग्रेशन होता है टू रूट टी, एकदम सेट है ये। अरे वही भाई टी की पावर माइनस हाफ प्लस वन बाई माइनस हाफ प्लस वन टू, ऊपर आज का सेट कर लो इसको, डी टी बाई रूट टी का इंटीग्रेशन टू रूट टी, सेट हो गया भाई। और ये प्लस का सी, यानी कि ये क्या आ गया टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। कितने लोग समझ आया भाई? अच्छा सेकंड वाला तो हंसते खेलते एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन को अभी थोड़ी देर पहले ही तो लिखा है, एक्स प्लस वन बाई टू का होल स्क्वायर प्लस रूट थ्री बाई टू का होल स्क्वायर, तो ये क्या बन गया टू डी एक्स अपॉन रूट अंडर एक्स प्लस वन बाई टू का होल स्क्वायर प्लस रूट थ्री बाई टू का, ये बन गया टू एल एन मॉड एक्स प्लस वन बाई टू प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन।
और दोनों को ऐड कर देंगे। अरे बोलोगे yes. नहीं समझ पाए क्या? तो चाहे रूट आ जाए चाहे बिना रूट क्या है, कर लोगे कि नहीं? क्या तरीका? अच्छा होता क्या है, जब आप बुक में ही देखोगे तो बुक वाले क्या करते हैं, इसमें यहाँ पे इसका डेरिवेटिव लीनियर में कॉमन करने की कोशिश करते हैं। तो क्या करते हैं, टू पहले कॉमन करते हैं और यहाँ एक्स प्लस थ्री बाई टू लिखते हैं, फिर यहाँ सिक्स एक्स बनाते हैं तो सिक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, नहीं समझे? फिर यहाँ पे माइनस वन चाहिए तो सिक्स एक्स में वन एड माइनस करते हैं और वन एड करते हैं और फिर ये नाइन आ जाता है और फिर इसको वन बाई थ्री करते हैं, तो वही चीज यहाँ घूम के आ जाती है, नहीं समझे? नहीं समझे? तो वो होता क्या है, यहाँ पर इसके डेरिवेटिव को एडजस्ट करके बनाया जाता है। मन इतना काम नहीं, हम सीधे क्या करेंगे, जो लीनियर टर्म होगा उसको लिख देंगे ए इंटू डेरिवेटिव प्लस बी, खट से और बी आएगा, खटाक से ब्रेक होगा, सीधे सिंप्लीफाई, सन 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 आंसर। समझ गया तरीका कि नहीं? अच्छा लास्ट वाली एक सिचुएशन इसमें और थी, अगर रूट अंडर एक्स प्लस वन अपॉन टू एक्स प्लस थ्री को इंटीग्रेट करना हो, आसान सा ही एक्स माइनस वन एकदम आसान है, एक्स प्लस वन बाई एक्स माइनस वन को इंटीग्रेट करना, ठीक है? तो तरीका क्या बताया मैंने, एक्स प्लस वन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे। अच्छा ये तो खैर डायरेक्ट दिख रहा है, बहुत तेजी में दिख रहा है, बट देखने का तरीका तो यही हुआ ना, ए इंटू, इसमें ये नहीं करना है क्योंकि दिख रहा है ना टू एक्स, अरे बोलोगे, यहां से ए सीधे हाफ दिखा कि नहीं और बी सीधे वन दिखा कि नहीं, अरे बोलो यार। अच्छा ये यहां से दिख जाता है ना, चक्कर ये हाफ टू एक्स, अरे बोलोगे, नहीं समझे? ये क्या कर दिया, दिखा ये, अच्छा ये क्या कर दिया, दिखा नहीं दिखा होगा, बाकी घबरा गया क्या? देखा हैं? देखा अब दिखा होगा, वैसे तो ये डायरेक्ट ब्रेक कर देते यार, टू से मल्टीप्लाई कर लेते आराम से सॉल्व हो जाता, अब तो दोनों आराम से सॉल्व हो रहे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वन को टी मारोगे तो ये खत्म, अरे हाँ ना, और ये तो सीधा ही फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला है, ln mod x plus root under x square minus one, फाइनल आंसर क्या रिपोर्ट करोगे, ये क्वेश्चन आईआईटी ने पूछा है, देख लो कितना बेकार सा है, समझ में आया कि नहीं, जो फॉर्मूला पढ़ाया उसका यूज समझ में आया कि नहीं? अभी तो ये दो ही यूज है, इसके छह यूज है, छह अभी दो बताए मैंने, सेम जो मैंने छह फॉर्मूले लिखाए हैं उसको अलग अलग तरीके से यूज करेंगे। अच्छा यूज हम हर बार वही करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, या तो रूट में या विदाउट रूट में, और सब कुछ डिनोमिनेटर में, समझ में आ रहा है? चलिए नोट्स हम अभी भेज देंगे, ले लीजिएगा, लिख लीजिएगा, डन, कल मिलते हैं 10 बजे डाउट के साथ, मैंने एक पीडीएफ भेजी है उससे अपने डाउट पहले क्लियर कर लीजिएगा, कोई बच जाएगा तो कल वो डिस्कस कर लेंगे, उनमें भी कोई बच जाएगा तो ठीक, मेंस का पहले आखिरी वाला डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद फिर मेंस के आखिरी वाले में डाउट होगा नहीं मेरे साथ, एक बचा वो एक्स स्क्वायर वाले में है क्या, उसमें कुछ नहीं है, एक्स स्क्वायर को आपने एक कैपिटल एक्स माना होगा, वहां से उसके यूनिक सोल्यूशन आए होंगे, डेल्टा उसमें जीरो नहीं आता है, अरे एक्स स्क्वायर को कैपिटल एक्स मान लो, वाई स्क्वायर को कैपिटल वाई मान लो, जेड स्क्वायर को कैपिटल जेड मान लो, पूरी इक्वेशन कैपिटल एक्स कैपिटल वाई कैपिटल जेड में आ गई, एक डिटरमिनेंट आएगा एक्स कैपिटल एक्स कैपिटल वाई कैपिटल जेड के कोएफिशिएंट से, वो जीरो नहीं आ रहा है, इसका मतलब यूनिक सोल्यूशन इन टर्म्स ऑफ कैपिटल एक्स कैपिटल वाई कैपिटल जेड, बट हमें कैपिटल एक्स का सोल्यूशन नहीं निकालना, किसका निकालना, तो एक्स स्क्वायर का अगर वैल्यू टू है तो एक्स का कितने वैल्यू हो गए, प्लस माइनस टू प्लस माइनस, तो नंबर ऑफ सोल्यूशन यूनिक नहीं हुए, फाइनाइटली मैनी हो गए, इनफाइनाइटली भी नहीं हुए कि काउंट नहीं कर सकते हैं भाई, सोल्यूशन तो काउंट हो जाएंगे ना, बट एक यूनिक नहीं है, एक से ज्यादा है बट काउंटेबल है, तो सोल्यूशन कैसे होगा, फाइनाइटली ये था।